Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Niharika. I hope all of you are doing good. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ट्रेंडिंग कर्लर का रिव्यू. सो ये है USB पोर्टेबल हेयर कर्लर जो कि मैंने Instagram पे देखा था. इसकी जो रील्स थी वो मैंने देखी थी एंड ये कर्लर जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था. सो ये जो कलर है वो मैंने Amazon से परचेज़ किया है और आज के वीडियो में मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि जैसा मैंने रील में देखा था उस तरह से ये वर्क करता है या नहीं करता है. सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड. सो गाइज, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी सारी नॉइसेज आ रही होंगी, सो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं जो है अपनी मम्मी के घर आई हूँ. अभी रात का टाइम है एंड मेरा बेटा जो है वो सो रहा है, सो मे बी आपको उसके स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी. सो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है प्रोडक्ट की बात करेंगे एंड उसके बाद इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी. सो गाइज, ये जो कर्लर है वो मैंने Amazon से परचेज़ किया है और ये है वायरलेस USB कर्लर. ये जो कर्लर है इसमें किसी भी तरह का कॉर्ड वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. इसको आपको जो है नॉर्मल अपने चार्जर से चार्ज करना होता है एंड उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपको यूज़ करना है एंड यहाँ पर जो है टाइमिंग वगैरह, सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है मेंशन है. सो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो. सो गाइज, इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये इस तरह से आपको मिलता है कार्डबोर्ड बॉक्स में. अब मैं दिखाती हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या जो है चीज़ें मिलती हैं. सो गाइज, आप देख सकते हो इस तरह से ये इसकी इनर पैकेजिंग है. हमें सबसे पहले जो है एक कॉम्ब मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. कर्लिंग के टाइम हमें इस तरह के कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है. एंड गाइज, ये है हमारी मेन मशीन. आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल ये कर्लिंग मशीन है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है. इस मशीन में आपको किसी भी तरह का कॉर्ड वगैरह नहीं दिख रहा होगा. ये जो कर्लिंग मशीन है इसको आपको चार्ज करना होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसलिए आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. आप अपने हैंड बैग में भी इसको जो है रख सकते हैं, ऑन द गो अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं. सो इसीलिए ये जो कर्लिंग मशीन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम रील में देखा था मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी थी, इसलिए मैंने इसको Amazon से परचेज़ किया है. आगे वीडियो में आप देखोगे कि एक्चुअली में ये मशीन जो है वर्क करती भी है या नहीं करती है. सो साथ में आप देख सकते हो हमें एक USB केबल मिलता है जिसके थ्रू आप इस मशीन को चार्ज कर सकते हैं. इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है फुल. सो आपका जो भी मोबाइल चार्जर है उसमें आप इसको लगा के जो है चार्ज कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हो हमें यहाँ पे दो पोर्ट मिलते हैं. सो इस तरह से आपको चार्ज करना है. आप चाहो तो पावर बैंक में भी लगा के इसको चार्ज कर सकते हो. उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आगे मैं आपको बताऊँगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें LED पैनल मिलता है. यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाती हैं, क्या टेम्परेचर है, किस तरह से क्या सेटिंग करनी है, ये सारी चीज़ के लिए ये LED पैनल दिया गया है. सो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी मजबूत है एंड इसकी जो आप देख सकते हो ये प्लेट्स हैं, ये सेरेमिक की बनी हुई है. सो सेरेमिक की जो प्लेट्स होती हैं उसकी वजह से आपके बालों को जो है डैमेज नहीं होता है एंड ऐसा इसमें बोला गया है कि आपके जो बाल हैं वो इसमें फंसेंगे नहीं. सो जो ऑटो कलर्स होते हैं मेन प्रॉब्लम में यही होती है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, टूट जाते हैं. सो ऐसा ये मशीन बोलती है कि आपके बाल जो है वो टैंगल नहीं होंगे या टूटेंगे नहीं, जो कि हम आगे के वीडियो में चेक करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है. सो एक हमें ये मशीन मिलती है एंड USB केबल मिलता है. साथ में हमें ये जो है मैनुअल मिलता है जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं. तो आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ के भी इसको यूज़ कर सकते हो. सो साथ में हमें ये हेयर क्लिप्स मिलती हैं जो कि कर्लिंग के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं. सो ये हेयर क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. सो इतनी सी चीज़ें हमें जो है मिलती है. ये जो कर्लिंग मशीन है गाइज, उसमें आपको फुल पैकेज मिलता है. इसकी पैकेजिंग से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ. सो आगे वीडियो में जब मैं इसको यूज़ करूँगी देन मैं इसके सारे बटन्स वगैरह हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं, वो मैं आपको बताऊँगी. सो गाइज, चलिए अब ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में, अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो मशीन है वो वर्क करती है या नहीं करती है. इसको मैंने जो है ऑलरेडी फुल चार्ज कर लिया है. यहाँ पे हमें जो बटन्स मिलते हैं तो उनमें से एक ये पावर का बटन है जिसको आपको प्रेस करना होता है एंड उसके बाद आपको बीप का साउंड आया होगा एंड ये जो मशीन है आप देख सकते हो ये ऑन हो चुकी है
एंड यहाँ पे प्लस माइनस का जो है आपको बटन मिलता है जिससे आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। आपको राइट एंड लेफ्ट का भी ऑप्शन मिलता है कि आपको कर्ल का डायरेक्शन राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए। सो गाइस, इस मशीन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया है एंड आप देख सकते हो इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये जो कर्लिंग है वो ऑन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं अपने बालों को जो है सेक्शन कर लेती हूँ जिससे कर्लिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। सो गाइज, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटिफुली और कितनी ईजली जो है मेरे बाल कर्ल हो चुके हैं। बस आपको जो है थोड़े से थिन स्ट्रैंड लेने हैं। एंड गाइज, इस कर्लर में जो है आप टाइट कर्ल एंड लूज कर्ल दोनों कर सकते हैं। अगर आपको टाइट कर्ल चाहिए तो आपको जो है टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी एंड आपको लूज कर्ल चाहिए तो आप कम टाइम के लिए इसको कर्ल करें। गाइज, आप देख सकते हो इतने बाल मेरे जो है काफ़ी ईजली कर्ल हो गए हैं एंड काफ़ी ब्यूटिफुली कर्ल हुए हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपने इतने हेयर पोर्शन को जो है कर्ल कर लिया है एंड बिलीव मी काफ़ी ईजली जो है आपके बाल कर्ल हो जाते हैं बिना किसी हैसल के। आपके हाथ वगैरह भी नहीं दुखते हैं एंड गाइज, विद इन अ सेकेंड जो है आपके बाल जो है ब्यूटिफुली कर्ल हो जाएंगे एंड लिटरली मेरे बाल जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सो मैं अपने जो है थोड़े से फ्रंट सेक्शन के बालों को भी कर्ल करती हूँ देन उसके बाद मैं फाइनल लुक जो है अपना दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने अपने बालों को कर्ल कर लिया है। मैंने अपने बैक के बालों को कर्ल नहीं किया, जो मेरा हाफ सेक्शन है वो मैंने कर्ल किया है क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं एंड बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। बट आप देख सकते हो ये जो मशीन है उसने मेरे बालों को बहुत ही ब्यूटीफुली कर्ल किया। एंड गाइज, बिलीव मी, इस मशीन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड काफ़ी ईजली जो है अपने कर्ल्स जो है कर सकते हैं अपने बालों को। ऑन द गो जो है अपने बालों को आप कर्ल कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लेट होता है किसी पार्टी में जाने के लिए, तो आप अपनी कार में भी जो है आराम से इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इस वायरलेस यूएसबी ऑटो हेयर कलर को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज, क्योंकि ये जो कलर है बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको इसको इस तरह से पकड़ना है, आपके बाल जो है ऑटोमेटिकली जो है कर्ल हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल कर्ल हो जाते हैं बहुत ही ईजली, बहुत ही हैसल फ्री आप इससे जो है कर्ल कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ इसमें कॉर्ड नहीं है जिससे आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्री हो जाता है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऑन द गो आप अपनी हेयर स्टाइल को जो है बना सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कुछ स्ट्रेंथ्स हमारे छूट जाते हैं कर्लिंग करने के टाइम, तो आप इससे टचअप भी कर सकते हो। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये जो कर्लर है आप इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। बस इसको आपको जो है फुल चार्ज करना होगा। इसकी चार्जिंग की बात करूँगी तो ये क्लेम करता है कि ये 60 मिनट तक जो है चार्जिंग इसकी चलती है, इसकी बैटरी चलती है, बट नो, इसकी जो बैटरी है वो मैक्सिमम 30 मिनट चलती है। बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी जो है इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर आप बैटरी चार्ज नहीं करना चाहते तो आप इसको पावर बैंक में लगाकर जो है यूज़ कर सकते हैं। आजकल सबके पास पावर बैंक होता है। सो गाइज, मुझे तो ये वायरलेस यूएसबी हेयर कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने जो इसकी रील्स देखी थी एक्चुअली में ये वर्क करता है, तो मैं इस प्रोडक्ट को आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। गाइज, अगर आप इस हेयर कलर को बाय करना चाहते हैं तो आपको जो है बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा माई हॉल स्टोर का, वहाँ से जाके आप इसको ईजी परचेज कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये वाला हेयर कलर तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो गाइज, मीट यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।